मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। अकेले में मुझसे क्या बात करेगा, जो कहना है यहीं पर कहे। मैं अकेले यहाँ तक आया हूँ, वो भी बिना डरे। आप क्यों डर रहे हैं? चल चल निकल सब यहाँ से, निकलो सब यहाँ से। मैं डर रहा हूँ, बोल क्या बोलना है तुझे। मिठाई में श्रेष्ठ है काजू कतरी और पदों में श्रेष्ठ है मंत्री, यही कहा था ना। आप एक बात जानते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने देखा है परचून की लिस्ट में भी अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल सब किलो के हिसाब से ली जाती है, लेकिन काजू केवल 100 या 200 ग्राम के हिसाब से लेते हैं। एक तो लेते इतना कम है और खीर में भी थोड़ा कम डालते हैं। ज्यादा खरीदने से पैसा बर्बाद होता है, ज्यादा खाने से तबीयत खराब होती है, यही हाल मंत्री का भी होता है। अगर मैंने बाजी पलट दी ना, या तो रोड पर खड़े होना पड़ेगा या फिर कोर्ट में। लोगों को हमेशा मैंने अपने पिताजी के पीछे खड़े हुए देखा है, आज पहली बार मैंने किसी को मेरे पिताजी के सामने खड़े होकर उन्हें चुनौती देते हुए देखा है, और उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए भी। सुनकर थोड़ा दुख हुआ। तुझे चुनौती देता हूँ, आज से 30 दिनों में अगर तूने मेरे बाप का सिर नहीं काटा तो मैं अपने परिवार के साथ तेरे पैरों में गिर जाऊंगा। अगर मैंने तेरा सिर नहीं काटा तो मेरे पिता तेरे पैरों में गिर जाएंगे। क्या बोला, क्या बोला रे तू? तू मेरे पिता का सिर काटेगा तो मैं अपने परिवार के साथ तेरे सामने झुक जाऊंगा। अगर मैंने तेरा सिर नहीं काटा तो मेरे पिता तेरे पैरों में गिर जाएंगे। इसका मतलब है मैं तेरा सिर कन्फर्म काटूंगा। मैं आज मंत्री हूँ रे, लेकिन तेरा बाप आज भी वही बिरजू पांडे है। चुनौती मंजूर है या नहीं? 30 दिनों में मैं तुम्हारे बाप का सर काट डालूंगा। देखते हैं कौन क्या करेगा। इसका मतलब है जैसे मेरे पिताजी ने कहा था वैसे शिवगंगा में जल्दी ही इलेक्शन फिर से होने वाले हैं। चलता हूँ। आपका दिन शुभ हो। नाराज मत होना, मेरे साइकिल का हैंडल टेढ़ा था इसलिए ठोक दिया। हैंडल टेढ़ा हो गया है? तू बीच सड़क पर लड़की को छेड़ रहा है, तेरी इतनी हिम्मत हो गई है? ए, वो लड़की वहाँ खड़ी है, मैं उसकी साइकिल का हैंडल ऐसे सीधा कर रहा हूँ, इसमें क्या हो गया है? मैंने कोई लड़की का ऐसे हाथ पकड़ लिया है, या फिर मैंने लड़की की कमर में ऐसे चुटकी काट ली है, या फिर बताओ मुझे कि क्या मैं उसे पकड़ कर चुम्मा लिया है मैंने, या फिर मैंने किसी की लुंगी खींच के बिछा के लड़की को उस पर झुला के उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश की है? लोग यहाँ भीड़ करके खड़े हुए हैं तो मैं रिएक्ट कर रही थी। कुछ भी नहीं किया है, ऐसा बोल करके तू सब कुछ हमारी आंखों के सामने कर रहा है। उसमें कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया? भागो यहाँ से। इनसे कैसे बचूं? अरे अरे बाप रे, ये लोहे की जंजीर नहीं, ये तो पूरा लोहे का किला है। हमें पता था ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए तुझे पता नहीं हम लोग क्या करेंगे। क्या करोगे? इन पत्थरों से तो कुंग फू कराते वाला ब्रूस ली भी डरता है, ये गणेश क्या करेगा? गणेश जी को देखकर हंस रहे हैं? ओ देखकर चला करना, जानबूझकर गिरी थी अप्रैल फूल। पागल हो गई क्या? जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, मूड ऑफ कर दिया। ऐसा कहते हैं कि अप्रैल फूल वाले दिन सिर्फ एक बार ही बेवकूफ बन सकते हैं, दोबारा नहीं, इसलिए जिस काम के लिए जा रहे हो जरूर पूरा होगा। भैया ऑल द बेस्ट। तो मोती, मैं तेरी भाभी से मिलने जा रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना कर भाभी मान जाए। हा? चिंता मत कर, अगले साल तेरी भी शादी करवा दूंगा। क्यों भैया, इसे कौन लड़की देगा? चल जा, इसे क्या कोई लड़की नहीं देगा, हमारे इस डॉगी ने तो पूरे गांव में कई लड़कियों को पटा के रखा है। ये क्या कह रहे हो गणेश? और क्या, गेट खुला रहने पर किसी भी लड़की को फुसला कर नदी के पास ले जाता है। किसी दिन रंगे हाथों पकड़ा गया ना, तो HMV के रिकॉर्ड में जैसे फोटो चिपकी ना, वैसे तेरी फोटो किसी दीवार में चिपकी रहेगी और उसमें माला टंगी रहेगी। इसे मेरी सारी बात समझ में आ रही है क्या? क्यों श्रवण, ये गाड़ी लेकर कहाँ जा रहा है? आज राधिका से मिलना है इसलिए आया। राधिका कैसे मिलेगी, आजकल कॉलेज की छुट्टी चल रही है ना। बोलो श्रवण। जयंती तुम कहाँ हो? मैं अपने गांव में हूँ। और राधिका? बोल जयंती। सिकड़ी से श्रवण ने फोन किया था, वो तुमसे मिलने आ रहा है। अपने आप को अकलमंद समझती है? ऐसे चले जाने से मुसीबत टल जाएगी क्या? तू अपनी बकवास बंद कर,
हाँ ठीक है ठीक है। हेलो सुन जयंती और राधिका सिकरी आ रहे हैं, दोनों एक्सप्रेस में बैठे हैं। हाँ। मुझे उस बस के कंडक्टर का नंबर दे। अच्छा ठीक है भैया। हाँ हेलो कौन? मैं श्रवण बोल रहा हूँ, सिकरी से तुम्हारी बस में दो लड़कियाँ बैठी हैं। हाँ बैठी तो हैं। मैं रामगढ़ के पुल के पास इंतजार कर रहा हूँ, उन दोनों को नीचे उतार देना। ठीक है भाई। सुनिए श्रवण भैया आपका इंतजार कर रहे हैं, आप नीचे उतर जाइए प्लीज। आप नहीं उतरेंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ जबरदस्ती बुलाने के लिए माफ कर देना, जब तुम वापस सिकरी चली गई तो मैं समझ गया था कि तुम वाकई कश्मकश में हो। तुम्हारे मन में जो भी हो बता दो, अगर तुम कहोगी कि जाओ अगले 6 महीने बाद आओ तो भी मैं उसके लिए तैयार हूँ। जिस दिन तुमने मेरे लिए मार खाई थी उसी दिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था और मैं तुमसे प्यार करने लगी। मैं खुद नहीं समझ पाई कि यह सब कैसे हो गया, लेकिन तुमने उस दिन कॉलेज में जब लोगों को मारा उस दिन मेरे मन को बहुत चोट पहुंची। तुम्हारे पिता को इतने सारे लोगों के साथ तलवार लेकर आता देखकर मुझे और गुस्सा आया, मुझे नफरत सी होने लगी। जिस दिन मैंने पढ़ा कि तुमने 4 लोगों को मारा है और तुम जेल में हो तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं तुम्हारे प्यार को अपने दिल से ना तो मिटा पा रही हूँ और ना ही जाहिर कर पा रही हूँ, बस मन ही मन में घुट रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा, हंसू या रोऊं? मेरे पिताजी ने मुझे सिकरी इसलिए भेजा था कि मैं किसी लफड़े में ना पड़ूं। जब मैंने टीचर का अपमान होते हुए देखा तो मैं रह नहीं पाया। दुनिया में सबसे दुख की बात है एक पति का उसकी पत्नी के सामने अपमानित होना, मैंने इसलिए उसको मारा। अगर उस दिन मैं उन गुंडों को नहीं मारता तो वो लोग मुझे मार देते। छोटी सी बिल्ली भी अपनी जान बचाने के लिए किसी से भी लड़ती है, क्या मुझे अपनी जान बचाने का हक नहीं है? ये सारी बातें मेरी माँ के सामने मत करना। क्यों, मैं अच्छा नहीं हूँ? तुम तो बहुत अच्छे हो लेकिन तुम जिनके साथ हो वो अच्छे नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। अगर तुम सब कुछ छोड़कर आ जाओगे तो मैं तुम्हें अपना लूंगी। सब कुछ मतलब किसको? माता पिता को या अपनी बहन को छोड़ दो, रिश्तेदारों को या अपने जन्म स्थान को या फिर अपने भगवान को जिसकी मैं प्रार्थना करता हूँ? किसे छोड़ने के लिए कह रही हो? अपने पिता को। ए! मेरे पिताजी के बारे में कुछ मत कहना, तुम जानती हो वो कौन है? छोटी दुकानों पर मारपीट करके गांव के मेले में लड़ाई होने के बाद नदी के पास मर्डर होने के बाद पुलिस ने 6 महीने तक छानबीन की और फिर उसे 5 साल की सजा होती है, उसके बाद उसका परिवार भूखा मरता है। तुम उनके बारे में क्या जानो? गांव में जब भी कोई छोटी मोटी लड़ाई होती है तो पिताजी उन्हें बुलाकर दोनों पक्षों को समझा कर दोनों को आपस में समझौता कराकर किसी के साथ भी अन्याय ना हो ऐसा न्याय करने वाले हैं मेरे पिताजी। तलवार उठाने वाला हर आदमी बुरा नहीं होता, ऐसी बात है तो वो सारे जाबाज सिपाही जिन्होंने आजादी के लिए तलवार उठाई गलत थे? दूसरों को मारना गलत होता है, खुद की सुरक्षा करना गलत नहीं होता? सुना है प्यार के लिए कुछ भी छोड़ देते हैं, लेकिन माता पिता को छोड़ने के लिए कहने वाली पहली लड़की तू ही होगी। एक साथ रहने को परिवार कहते हैं, जुदा होकर जीने का कोई मतलब नहीं होता। जैसे तुम्हें तुम्हारी माँ प्यारी है वैसे ही मुझे मेरे पिताजी जान से ज्यादा प्यारे हैं। तुझे प्यार करता हूँ इसलिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, अगर यही बात किसी और ने की होती तो उसे काट के नदी में बहा देता। मुझे ना कहने के लिए तुमने दूसरा कोई कारण बताया होता तो मरते दम तक तुम्हें याद रखता, पर मुझसे दूर जाने के लिए मेरे पिता को कारण बताया उसी पल मैं तुम्हें भूल गया। राजकिशोर। आओ दोस्त आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। यहाँ शिवगंगा में अचानक मेरा ट्रांसफर हो गया, कोई खास वजह? एक छोटी सी समस्या है। मुझे करना क्या होगा? उस बिरजू पांडे को अरेस्ट करके एक दिन के लिए जेल में डाल दो, अपने आदमियों की मदद से मैं उसे वहीं खत्म कर दूंगा। जेल जाने से पहले 2 मिनट के लिए उसे मेरे घर पर लेकर आना, उसके गाल पर 2 थप्पड़ लगाऊंगा। वो किस लिए? बिल्कुल ऐसे ही उसने मुझे मारा था, इसीलिए। वो इस इलाके का नामी आदमी है, उसे ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते।
एक काम करते हैं, सिकरी लक्ष्मी मंदिर के पास जाली नोट चलाते हुए हमने एक आदमी को अरेस्ट किया है। अरे क्या कर रहे हो साहब? उसने शिवगंगा के एक आदमी का नाम बताया, उसके पास 10,000 रुपए के जाली नोट हैं। वो केस मेरे पास आया है, मैंने उसको पूछताछ के दौरान मारा और उसने मुझे बिरजू पांडे का नाम बताया। शिवगंगा का ये बिरजू पांडे ही जाली नोटों का सरगना है, ऐसा हम कहेंगे, और उसके घर से 4 लाख के जाली नोट बरामद करें। आइडिया है कि हेलीकॉप्टर है रे अकल के अंधे, उसके घर में जाली नोट कहां से आएगा बता? यहां तुम किस लिए हो? तुम एक मंत्री हो, इतने सारे आदमी हैं, तुम इतना सा काम भी नहीं कर सकते क्या? मजा आ गया तेरी बात सुन के, कहां था रे तू? कौन किसका पत्ता काटा? पता नहीं श्रवण। ठीक है अभी आता हूँ। बोलिए सर। आपके घर शिवगंगा से डीएसपी के नेतृत्व में सर्च वारंट के साथ एक टीम आ रही है। इसकी वजह क्या है मुझे कुछ भी पता नहीं है। ये राजकिशोर का ही काम होगा, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। ये अपने आप नहीं टूटा, तोड़ा गया है। हाँ शर्वन, शर्वन वहां देखो, चलो ऊपर चल के देखते हैं। कल रात को हमारे घर जरूर कोई आया था, कुछ लेकर तो नहीं गया है, मतलब कुछ रख कर गया है। सब जगह ढूंढने में आधा एक घंटा लगेगा, इतने में पुलिस आ जाएगी। आप एक काम कीजिए, घर बंद करके राइस मिल चले जाइए, आधे घंटे बाद आइएगा। ठीक है बेटा। ए बुढ़िया, ये घर क्यों बंद है? बहू मंदिर गई है और बेटा मिल में गया है, आते ही बोल दूंगी। जरा तकिए में देख। हाँ? नीचे उतर। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। उतारना। देखता हूँ। क्या बात है, इतने लोग क्यों आए? अरे तकिए में देख, अंदर क्या है? हाँ, अरे इसमें कुछ है। मेरे घर में नकली नोट, ये किसने कहा आपसे? आपको बताने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सर्च वारंट है। ये तो नकली नोट है। आइए सर, देखिए। देखो तुम लोग जाओ उधर, देखो उधर, देखो यहाँ भी देख लीजिए। देखिए तकियों को आप ऐसे देख रहे हैं जैसे आपको किसी ने बताया हो कुछ। ए, 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 कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। अरे इतने लोग अंदर कैसे आ गए? क्या हुआ? पूरा घर छान मारा, कुछ भी नहीं मिला। तो फिर उसे अरेस्ट करो ना। बिना कारण के अरेस्ट नहीं कर सकते। अरे तो कोई भी वजह बताकर उसे अरेस्ट करो, उसे थप्पड़ मारने के लिए मेरे हाथ तड़प रहे हैं। हाँ तो मिस्टर बिरजू पांडे, मेरे साथ पुलिस स्टेशन तक चलेंगे। किस लिए? आपके घर सर्च करने आया था, कुछ भी नहीं मिला, ये लिखकर देने के लिए। गुड मॉर्निंग डीएसपी सर, कोई नया कानून आया क्या, सबको बेवजह पुलिस स्टेशन आना होगा? क्यों आना होगा, थोड़ा बहुत कानून मैं भी जानता हूँ। आपको माफीनामा लिखकर देना चाहिए कि आपको खोज के दौरान कुछ भी नहीं मिला, और यही कानून है। इन्हें अरेस्ट किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। इम्पॉसिबल है सर, इन्हें अरेस्ट करके आप यहाँ से बाहर नहीं जाते। अरेस्ट करना है, अरेस्ट करना है, कितनों को अरेस्ट करेंगे? सर, क्या किसी ने बोलकर भेजा है क्या? सब लोग वीडियो बना रहे हैं। ए, बंद करो, बंद करो। इतना ही नहीं है, जरा वहाँ पीछे देखिए। इसमें क्या है पता है, जब से आप आए, बात की, अंदर गए, बाहर आए, आकर कहा कुछ भी नहीं है, फिर भी जबरदस्ती मेरे पिताजी को अरेस्ट करना चाहते हैं, ये सारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो गई है। मैं आपका ये वीडियो सीएम साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा, और बदले में आपको मैसेज आएगा आपकी नौकरी चली गई। गले में कुछ अटक गया? आपका फोन बज रहा है। काम हो गया क्या? सारे गांव वाले यहाँ जुट गए हैं और सब लोग यहाँ वीडियो बना रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मोबाइल संभल के जाइएगा डीएसपी साहब, हमारे गांव वालों का प्यार करने का तरीका पसंद आया कि नहीं?